वेलकम बैक टू माय चैनल एवीआर ट्रैवल। आज सितंबर का 10 तारीख है, ईयर 2021, और आज हम गोवा रिटर्न बैक हो रहे हैं वसई से। अगर आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि पूरा जर्नी सेम रूट से है। थोड़ा चेंजेस यही है कि आने के टाइम हम अम्बोली घाट से आए थे और जाने के टाइम हम चौरला घाट से जाएंगे। तो ये रही मेरी क्रेटा गाड़ी, टायर में मैंने नाइट्रोजन भर दिया है, सब टायर में टॉपअप किया है और पेट्रोल टैंक भी फुल है। तो स्टार्ट करते हैं जर्नी फिर। चलिए हम अपना ट्रिप मीटर ज़ीरो करते हैं। ट्रिप ए है ये, देखो इसको हम ज़ीरो बना दिया। ओके, सो ट्रिप मीटर ज़ीरो हो गया। तो अब हम चलते हैं बाहर। आप देखिए पूरा अंधेरा है, तो जब उजाला होएगा तभी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, ये देखिए वेस्टर्न एक्सप्रेस के नज़ारे। सुबह के 5:08 पर ही अब हम मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे चल रहे हैं और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गया। आपने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे तो ट्रैफिक देखा ही रहा कितना ज़्यादा था, इसीलिए हम यहाँ लेट पहुँच गए और अभी ट्रैफिक भी बहुत बढ़ गया है इस एक्सप्रेस हाईवे पे। हल्की हल्की बारिश भी गिर रही है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे गोवा से वसई रोड जाने का पूरा व्लॉग यही रोड से किया था, इसीलिए मैं वो सीन आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं। जाने के टाइम हमने गोवा से अम्बोली घाट, फिर निपानी कोल्हापुर होते हुए वसई रोड गए थे, और आने का टाइम अभी एक ही चेंज है, हम लोग अम्बोली घाट से नहीं जाने वाले हैं मगर चौरला घाट से जाने वाले हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ से सीधा चौरला घाट का के सीन दिखाऊंगा। तब तक आप ये एक्सप्रेस हाईवे के सीनरी देखिए, काफ़ी ग्रीनरी है सब जगह पर, देखिए काफ़ी ग्रीनरी है। और अब हम लोनावला पहुंच रहे हैं। रास्ता देखिए बहुत स्लिपरी है, तो यहाँ सावधानी से गाड़ी चलाने की बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम पुणे पहुंच जाएंगे और फिर कोल्हापुर, सतारा, कराड, निपानी और बेलगांव। अब हम चौरला घाट एंटर हो गए हैं। ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है चौरला घाट का, इसलिए काफ़ी शॉप्स, दुकानें, शॉप्स और घर दिख रहे हैं यहाँ पर। ये छोटे छोटे घर और से बहुत ये कांदे का व्यापार और फ्रूट्स सब बेचते हैं यहाँ के लोग।
तो इनको यहाँ से गाड़ी जाने वाले से काफ़ी आमदनी होती है। और अब हम थोड़े और अंदर आ गए चौरला घाट, तो जैसे जैसे हम और अंदर चौरला घाट में एंटर करेंगे तो पूरा जंगल ज़्यादा बढ़ जाएगा। इतनी बारिश होने के बाद भी रोड ज़्यादा ख़राब नहीं हो गई है, तो ये अच्छी बात है यहाँ से ट्रैवल करने के लिए। यहाँ थोड़ा रोड ख़राब हो गया है, बट ओवरऑल रोड अच्छा ही है फुल चौरला घाट में। एक ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं अभी, और आगे आप देख रहे हैं कि घना जंगल स्टार्ट होने वाला है। यहाँ एक बड़ा सा खड्डा है ब्रिज के ऊपर, तो काफ़ी सावधानी और धीरे से गाड़ी चलाना का ज़रूरत है। और ये देखिए अब मेन चौरला घाट स्टार्ट हो गया है। मुझे गाड़ी के हैज़र्ड स्टार्ट करने पड़े क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है और विजिबिलिटी बहुत कमती है। आपको मैं साइड का व्यू अनफॉर्चुनेटली दिखा नहीं सकता हूँ, बट बहुत वाटरफॉल भी है और सामने से भी गाड़ी आ रही है, तो थोड़ा केयर लेके ड्राइव करना पड़ रहा है। नहीं तो काफ़ी अच्छे वाटरफॉल हो रहे हैं रोड पे और विजिबिलिटी तो ना के बराबर ही है। रास्ता भी काफ़ी नैरो है, तो बहुत ही सावधानी से यहाँ गाड़ी चलाना की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और न्यू सब्सक्राइबर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ये रहा और गुड बाय।